इब द बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग विदेटेड चेंजेस इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अब स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन गिवन है एक रिएक्शन गिवन है तो आपने उस पर बताना है कि इंक्रीज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली शेटर प्रिंसिपल अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इसके ऊपर द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू रिड्यूज द नंबर ऑफ मोल्स देन स्टूडेंट्स अगर आप आयोडीन डालें टू दिस रिएक्शन अगर आप आयोडीन एड करें इट मीन्स स्टूडेंट्स कि आपके प्रोडक्ट्स में आयोडीन ऐड हो रहा है विच मीन द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द रिवर्स डायरेक्शन अंटिल द न्यू न्यूलिब्रम इज एस्टेब्लिश उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहां पे आप हीट को एज अ सब्सटेंस यहाँ ट्रीट कर रहे हैं आप क्या कहेंगे कि आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है हीट रिमूव करने का मतलब ये है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दे आर फॉर कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ टू विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल इंक्रीज़ देन स्टूडेंट्स वट विल बी द अफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन तो स्टूडेंट्स अगर आप प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो इट विल गो इन द डायरेक्शन इन विच द वॉल्यूम इज बीइंग इंक्रीज वेयर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n विच मीन्स के जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं हम द विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि वॉल्यूम उस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आपका रिएक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा